हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम प्रेग्नेंट होने के लिए यूट्रस का लाइनिंग कितना होना चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे। यू नो, यूट्रस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये लाइनिंग, क्योंकि ये वो जगह है जिसके अंदर एम्ब्रियो यानी कि बच्चा ग्रो होता है। अगर आप ये लाइनिंग को समझने की कोशिश करें तो हम थोड़ा जूम करते हैं इसको, तो ये लाइनिंग में हमेशा आपको तीन लाइन्स दिखती है। ये है आउटर लाइन, यह है मिडल लाइन और यह है और एक आउटर लाइन। हमेशा जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस या यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस देखी जाती है तो सबसे एक्सपांडेड पार्ट पे, सबसे थिक पार्ट पे देखी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ की जो लाइनिंग है दैट थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 6.7 मिलीमीटर। ऑलराइट, लाइनिंग की थिकनेस 6.5 मिलीमीटर से लेके 9 मिलीमीटर के बीच में की जब रहती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूटली आइडियल। अब इसके ऊपर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टू एड वैस्कुलैरिटी, मतलब कितनी प्रतिशत खून अंदर आ रहा है ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये चेक करने के लिए मशीन के सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मशीन अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइनिंग है उसमें यू कैन सी कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो खून के वेसल है, ये अंदर तक आ रहा है, ये भी वेसल है वो अंदर तक आ रहा है। जब कभी भी ब्लड वेसल का फ्लो यूट्रस के लाइनिंग के अंदर तक पहुंचता है, ऑलराइट, इस स्टेज को जब लाइनिंग तक आता है तो उसे बोलते हैं Grade 3। इसके भी आगे अगर ये ब्लड फ्लो आता है, अगर हम और एक बार इसको स्केल करके देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में ये ब्लड का जो फ्लो है वो लाइनिंग के अंदर तक आ रहा है। यू कैन सी हियर, ये इनसाइड है लाइनिंग के, ये देखिए ये लाइनिंग के अंदर है। अब जब कभी भी ऐसा होता है, इसे Grade 3 या Grade 4 बोला जाता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई नेचुरली ट्राई कर रहा है तो उसको जो प्रेग्नेंट होने की चांसेस है दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 5-8%, 5-8% हर महीने में। ऐसी लाइनिंग पे अगर कोई IUI करता है तो उसमें जो प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है वो रहता है तकरीबन 12-14%, बाकी सारे फैक्टर्स को देख के। और अगर ऐसे लाइनिंग में कोई IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी में एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाता है तो उसमें प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस रहते हैं अगर एम्ब्रियो का ग्रेड अच्छा है तो वो है तकरीबन 30-35%। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड वी शैल बी वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू।